हेलो एश्योरेंस, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। एश्योरेंस, आज का वीडियो क्लास 10 व क्लास 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलिटी इस टॉपिक पर काफ़ी आसान शब्दों में लेटर लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी क्लास 12 के हैं वे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैंने इंग्लिश का जो नोट्स है वह सब शेयर किया हुआ है, जिनकी मदद से आप आसानी से इंग्लिश की तैयारी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो उससे भी अच्छे से आप जो है इंग्लिश की तैयारी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलिटी इस विषय पर हम लेटर जो है कैसे लिखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर मत चले जाइएगा, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आपको किसी एडिटर को जो है वह लेटर लिखना होगा तो पैटर्न बिल्कुल इसी तरह का होगा। तो कैसे आप अप्लाई करेंगे यह चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी इस विषय पर जो है आपको लेटर लिखना बताया था, तो सेम यह वैसे ही लेटर है, बस आपको जहाँ पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वहाँ पर आपको जो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई जो है बस लिखना है, बाकी सब जैसा है वैसा आपको लिखना है। तो जब भी आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा जाए एडिटर टू अ न्यूज़पेपर यानी किसी समाचार पत्र के संपादक को, तो आपका जो है सेम इसी तरह से जो है वो आपका लेटर रहेगा, थोड़ा सा आपका जो टॉपिक रहेगा वो चेंज रहेगा, बाकी जो लेटर का पैटर्न रहेगा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं लिखा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलिटी, अर्थात एक समाचार पत्र के संपादक को अपने इलाके में जल आपूर्ति की बार बार कटौती के बारे में एक पत्र लिखिए। तो एक समाचार पत्र के संपादक को अपने इलाके में बार बार जल की आपूर्ति की कटौती के बारे में एक पत्र लिखिए। अगर समाचार पत्र का नाम आ जाएगा तो आप जब लिखने जाएंगे टू द एडिटर तो यहाँ पर समाचार पत्र का नाम लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में वह समाचार पत्र नाम दे देता है तो, अगर नहीं देता है तो आप कोई भी समाचार पत्र का नाम लिखेंगे द लगाकर, ठीक है। तो देख सकते हैं लिखा है मैंने टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, इसके बाद वाराणसी कामा यूज करिएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं यह आपका सैल्यूटेशन है सर, ठीक है। अब स्टार्टिंग हमेशा ही आप जब भी टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को जब आप लिखेंगे लेटर तो उसमें आपको बॉडी ऑफ द लेटर जो है इसी तरह से स्टार्ट करना है, आपको ठीक ऐसे ही स्टार्ट करना है थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर यानी आपके सम्मानीय समाचार पत्र के द्वारा। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा ऑफ द अथॉरिटीज यानी अधिकारी गणों का। अब इसके बाद यह जिस टॉपिक के बारे में रहेगा आपका लेटर देख सकते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलिटी, तो उसी को लिखना होगा अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकलिटी, योर की जगह अवर कर देंगे, ठीक है। तो आपके सम्मानीय समाचार पत्र के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज, मैं अधिकारी गणों का ध्यान खींचना चाहूँगा अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकलिटी, हमारे इलाके में जल आपूर्ति की बार बार कटौती के बारे में, यानी आपके सम्मानीय समाचार पत्र के द्वारा मैं अपने इलाके में बार बार जल आपूर्ति की कटौती के बारे में अधिकारी गणों का ध्यान खींचना चाहूँगा। तो हमेशा यहाँ तक आपको लिखना है अथॉरिटी तक, इसके बाद जो आपका टॉपिक दिया रहेगा जिस पे लेटर आपको लिखना है वह यहाँ पर शामिल कर देंगे, योर की जगह आपका अवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेम इसी तरह आपको लिखना है द पीपल ऑफ अवर एरिया यानी हमारे क्षेत्र के लोग हैव ब्रॉट दिस फैक्ट, इस तथ्य को ला चुके हैं टू नॉलेज ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट यानी जल आपूर्ति विभाग की जानकारी को, यानी हमारे क्षेत्र के लोग जल आपूर्ति विभाग की जानकारी को इस तथ्य को ला चुके हैं बट इट वॉज फॉर नो यूज, लेकिन इसका कोई लाभ न था, ठीक है। अब यहाँ पर दिस फैक्ट के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, तो विद्युत के लिए रहेगा तो आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लिख देंगे, बस और कुछ नहीं। इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई यानी ड्यू टू के कारण,
फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति की बार बार कटौती के कारण वी आर फेसिंग ग्रेट प्रॉब्लम, हम लोग बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, सब कुछ वैसे ही लिखना है, केवल वाटर सप्लाई की जगह जो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यानी जो टॉपिक आ जाएगा जिस पर आपको लेटर लिखना है वह लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका देख सकते हैं मैंने बॉडी ऑफ द लेटर में हमेशा एक बार पैराग्राफ चेंज करें, इससे आपका जो है लेटर प्रभावी बनेगा और हमेशा ही लेटर जो है वह एक ही पेज पर लिखने का प्रयास करें, अगले पेज पर ना जाए, क्योंकि इसमें एक आपका जो है रूल होता है कि आप जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे तो ठीक सामने होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, मैं आशा करता हूँ कि आप दयालुतापूर्वक मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में पब्लिश प्रकाशित करेंगे, सो दैट ताकि द अथॉरिटीज में नो अवर प्रॉब्लम, ताकि अधिकारीगण हमारी समस्या को जान सके। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति की बार बार कटौती के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पर बस यहीं पर आपको चेंज करना है, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉरी फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, बस इसी को आपको चेंज करना है और इसकी जगह जिस विषय पर लिखने के लिए कहा जाएगा वह लिखना होगा। तो टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर के लिए जब भी आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाए तो हमेशा इसी पैटर्न को आप फॉलो करें, केवल जो आपका सब्जेक्ट है उसी को चेंज करते जिस पे आपको लेटर लिखने के लिए कहेगा उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हुए थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देता हुआ, योर्स ट्रूली आपका निष्ठावान, फिर इसके बाद हस्ताक्षर एक्स वाई जेड, इसके बाद आपका जो एड्रेस है वह लिखना होगा। एड्रेस बहुत ही आसान है, कोई संख्या लिखकर कोई नाम लिख दीजिए, फिर कामा लगा दीजिए, एक जिले का नाम लिख दीजिए और इसके बाद ठीक एड्रेस के सामने आपको डेट लिखना है और यह ध्यान देना है कि आपका यह जैसे पैराग्राफ चेंज करते हैं उसी के ठीक सामने रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यह था बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलिटी, इस विषय पर मैंने आपको काफ़ी सिंपल वर्ड्स में जो है लेटर प्रोवाइड किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अगर आप नोट्स से देखना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री शेयर किया हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री है। और साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो कि मैं आप लोगों के एग्जाम के बाद वहां पर वीडियो लाना शुरू करूंगा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर वहां पर करूंगा, तो उसे आप लोग सपोर्ट करें, अभी स्टार्टिंग है, मात्र 1 वीक हुआ है उसे स्टार्ट किए, तो आप लोग अगर उसे सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइबर जो है वहाँ पर गेन कराते हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आई होप वह चैनल भी ग्रो करेगा, तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। वहाँ पर फिलहाल अभी हमारे जो मित्र हैं वे वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा आप लोग सपोर्ट करें ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है हमारे ब्लॉगिंग चैनल का नाम, जिसका नाम है नॉलेज बीम रियल ब्लॉग, तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।